मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज मैं कक्षा छठी का वीडियो बना रही हूँ। हम लोगों का ये 10वां वीडियो होगा, जिसमें मैं आज पार्ट 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास, जो क्या नाम है पाठ का, संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। ये जो आपको जो ये पाठ दिया है, ये एक प्रकार की एकांकी है जो जयपाल तरंगजी द्वारा लिखी गई है। क्लियर। इसका जो केंद्रीय भाव है, जिसमें केंद्रीय भाव का मतलब ये होता है बेटा कि आपको इस पाठ में क्या पढ़ना है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने भारतीय कला, साहित्य व संस्कृति के प्रति सम्राट अकबर के उदार दृष्टिकोण को दर्शाया। सम्राट अकबर जो थे, उनका जो उदार दृष्टिकोण था, उसके बारे में आपको इस पाठ में बताया है। भारत की समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा की एक झांकी इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले की जो परंपरा होती थी, गुरु शिष्य परंपरा होती थी, जो लोग होते थे, राजा के बच्चे होते थे, वो आश्रमों में चले जाते थे, गुरु के वहीं पर अपनी अध्ययन करते थे। तो उस परंपरा को एक एकांकी के माध्यम से यहाँ पर आपको इस पाठ में बताया है। अब यहाँ पर मैं इसको पहले रीड कर रही हूँ, रीड करने से आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो पहला दिया है पात्र परिचय, कि इस एकांकी में कौन कौन से पात्र है उसके बारे में बताया है। पहला लिखा है स्वामी हरिदास। संत वेश, कंधे पर गुदड़ी, हाथ में करुआ, आयु लगभग 65 वर्ष। यहाँ पर आप लोगों को संत हरिदास जिनका किस प्रकार से वेशभूषा होगी उसके बारे में बताया है। सेकंड लिखा है सम्राट अकबर। दूसरे दृष्टि में सम्राट की और तीसरे में सेवक की पोशाक धारण करते हैं। आयु लगभग कितनी वर्ष है, 50 वर्ष। तानसेन, अकबर के नवरत्नों में से एक है तानसेन। संगीत सम्राट, दरबारी पोशाक, आयु लगभग 30 वर्ष। अलादीन, स्वामी हरिदास का एक शिष्य, आयु लगभग 20 वर्ष, कुर्ता, तहमत और टोपी पहने हुए। मोहन, स्वामी हरिदास का एक शिष्य, आयु लगभग 20 वर्ष, कुर्ता, धोती और टोपी पहने हुए, कंधे पर गमछा डाले हुए। रूपा, स्वामी हरिदास की एक शिष्या, सामान्य ब्रज भेष में, आयु लगभग 30 वर्ष। मतलब यहाँ पर आपको पात्रों का परिचय दिया है, और अगर इस एकांकी को अगर अभिनय करते हुए खेला जाता है तो उनका वेशभूषा कैसे होगी उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया है। अब पहला दृश्य, पहला दृश्य क्या बताया है, समय प्रभात का समय, वृंदावन के निधिवन आश्रम का एक कोना, तख्त पर स्वामी हरिदास विराजमान है, पास में करुआ रखा है, समीप ही नीचे आसन पर तानसेन बैठे हैं, दोनों में बातें हो रही हैं। किस किस में बातें हो रही बेटा, स्वामी हरिदास में और तानसेन में। ठीक है, स्वामी हरिदास, तानसेन आज बहुत उदास लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है, कुशल तो हो। स्वामी हरिदास तानसेन जी से बोलते हैं कि आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ खास बात तो नहीं है। तानसेन, गुरुदेव आप तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी मतलब बिना बताए आप जान लेने वाले, जिसको क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। सम्राट अकबर मुझसे दीपक राग सुनना चाहते हैं, आज रात को ही उन्होंने दीपक राग सुनने की इच्छा प्रकट की है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, नवरत्न मतलब जो उनके संगीतकार थे, उनमें 9 थे संगीतकार, उनमें से एक थे। अब वो बता रहा है तानसेन कि गुरुदेव आप तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी का मतलब आपको बिना बताए आप सब जान रहे हो। सम्राट अकबर ने मुझे दीपक राग सुनाना चाहते, सम्राट अकबर मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, दीपक राग सुनना चाहते हैं। आज रात को ही उन्होंने दीपक राग सुनने की इच्छा प्रकट की है। तानसेन स्वामी हरिदास से बता रहे हैं कि अकबर, जो महाराज अकबर हैं, उनसे दीपक राग सुनना चाहते हैं। स्वामी हरिदास, तो इसमें भय कैसा है, इसमें डर किस बात का, दीपक राग तो तुम्हें आता है, सुना देना। तो तानसेन से बोलते कि भाई तुमको तो दीपक राग आती है, फिर तुम्हें क्यों डर लग रहा है, उनको सुना देना, चिंता की क्या बात है, उसमें चिंता करने की जैसी क्या बात है। तानसेन, दीपक राग तो मुझे आता है गुरुदेव, आपने ही मल्लार की छत्रछाया में मुझे इस राग का अभ्यास कराया है, अगर मल्लार का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया तो मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा। अब आपको तानसेन अपनी परेशानी बता रहे हैं कि दीपक राग तो मुझे आती है, लेकिन दीपक राग यानी दीपक राग में इतना तेजी होती है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर दीपक राग मैंने सिर्फ सुनाया और उसके साथ मल्लार का अभ्यास नहीं किया गया तो उसमें मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा, मैं खुद उसमें क्या जाऊंगा, जल जाऊंगा। स्वामी हरिदास, अपने सम्राट से कह देते कि यह प्राणलेवा राग है। तो स्वामी हरिदास बोलते कि आपने सम्राट अकबर से कहना था कि ये प्राणलेवा राग है, प्राणलेवा मतलब इसे जान जा सकती है। तानसेन, मैंने कहा था गुरुदेव
इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वे अपनी राजहट पर अड़े हैं, आदेश दे दिया। तो तानसेन जी बोल रहे हैं कि मैंने अकबर स्वामी अकबर से कहा था कि भाई इसको गाने से यानी स्वामी इसको गाने से यानी शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, या उसमें इतना यानी उसमें बल देना पड़ता है ताकि उसमें प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन राजा ने उस बात को नहीं सुना और उन्होंने आदेश दे दिया है कि आज दीपक राग को क्या करना है, गाना ही है। स्वामी हरिदास, तानसेन, राजमहल का सम्मान और नवरत्नों के स्थान मिल जाना हमेशा सुखकारी नहीं होता है, कभी कभी वह संकट भी खड़ा कर देता है। जब तुमने दरबारी जीवन का आनंद लिया है तो प्राण घातक कष्ट भी झेलो। अब वो स्वामी हरिदास उनसे ये करते हैं कि भाई तुमने तो राजमहल का सम्मान और नवरत्नों का स्थान ले लिया है, तो ये सुखकारी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी इसमें सुख भी मिलेगा तो कभी इससे संकट भी होगा, तो जब आपने इसमें आनंद लिया है तो अब इसका प्राण घातक कष्ट भी झेलो, करके स्वामी हरिदास उनसे कहते हैं। तानसेन, गुरुदेव, यह मात्र कष्ट या संकट नहीं है, सीधा मृत्यु को निमंत्रण है, आप मेरी मृत्यु की कामना करेंगे? तो तानसेन उन्हें बताता है कि गुरुदेव यह सिर्फ संकट नहीं है, इसमें मेरी मृत्यु भी हो सकती है। स्वामी हरिदास, मैं तुम्हारे यशस्वी होने की कामना करता हूँ, मृत्यु तो विधाता का लेख है, यह अवश्य भावी है, फिर भी दरबारी जीवन को सत्य कथा को समझ ही गए हो, राजयोगी अग्नि को जल की प्रीति उल्टी होती है, इनसे बचकर रहना ही हितकर है। तो वही बोल रहे हैं हरिदास जी कि मुझे मालूम है मैं तुम्हारे यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ, तुम्हारे मरने की कामना नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन लंबा हो, लेकिन फिर भी ये जो हमारा दरबारी जीवन है ये राजा के ऊपर निर्भर है, उसमें हम कोई बैर नहीं कर सकते, इसे इनसे बचकर रहना ही हितकर है, यानी इसमें आप सुख दुख दोनों पाएंगे। तानसेन, अच्छी तरह समझ गए गुरुदेव, अब अपने शिष्य के प्राण बचा लीजिए, अब अपने शिष्य के प्राण बचा लीजिए। तानसेन बोलता है कि हाँ गुरुदेव, मैं ये बात तो समझ गया हूँ, लेकिन अब मेरे प्राण आप बचा लीजिए। स्वामी हरिदास, अच्छा चिंता मत करो, अपने शिष्य को आवाज देते हैं, मोहन, ओ मोहन। अब उन्होंने हरिदास जी बोलते कि ठीक है चिंता मत करो, फिर अपने एक दूसरे शिष्य है जो उनको आवाज देते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, मोहन। अब दूसरा दृश्य आता है जिसमें मोहन अंदर आता है, मोहन, आज्ञा गुरुदेव। मोहन अंदर आता है और गुरुदेव से पूछता है, बताइए क्या आज्ञा है गुरुदेव? स्वामी हरिदास, भैया रूपा को तो बुला ला, कहना स्वामी जी ने तुरंत मिलने को कहा है। अब स्वामी जी ने किसको बुलाया है, तो रूपा नाम की कोई व्यक्ति लड़की होगी उसको बुलाया है। मोहन कहता है, जो आज्ञा गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। तानसेन, गुरुदेव यह रूपा कौन है? अब तानसेन पूछता है कि भाई ये रूपा कौन है? गुरुदेव ये रूपा कौन है? तानसेन, गुरुदेव ये रूपा कौन है? स्वामी हरिदास, मेरी शिष्या है, तुम्हारी गुरु बहन, बड़ी निपुण गायिका है, तुम्हारे अच्छे भाग्य है कि आज वह आश्रम में ही है, वह मेघ मल्हार गाकर तुम्हें प्राणों की रक्षा कर सकती है, तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकती है, लो आ गई रूपा। अब आपको ये बता दे कि जब राग आप लोगों का जब दीपक राग गाते हैं उसके साथ साथ में मल्हार राग भी गाया जाता है, ताकि जब दीपक राग की जो अग्नि से जो ज्वाला उत्पन्न होती है, जो उसमें गर्मी होती है, वो मल्हार राग से उसको शांत किया जाता है। अब स्वामी हरिदास ने एक शिष्या को बुलाया जो उसका नाम था रूपा, वो गाय में निपुण थी, मल्हार राग में निपुण थी, तो उन्होंने रूपा को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी गुरु बहन है और ये मेघ मल्हार गा कर तुम्हारे प्राणों की क्या करेगी बेटा, रक्षा करेगी। रूपा आती है, स्वामी जी का चरण स्पर्श करती है और आसन पर बैठ जाती है। रूपा अब उस कमरे में आती है। स्वामी हरिदास, रूपा ये है तानसेन, तुम्हारे गुरु भाई, सम्राट अकबर के नौ रत्नों में से एक है, संगीत के सम्राट माने जाते हैं। अब रूपा से तानसेन का परिचय कराते हैं। स्वामी हरिदास, तानसेन यह है रूपा, संगीत पर इसकी अद्भुत पकड़ है, इससे सहायता की याचना करो। अब वो बोलते हैं कि तुम रूपा से बात कर लो और इससे बोलो कि तुम वो राग मल्हार गाए। तानसेन, बहन रूपा, मुझे आज रात सम्राट अकबर के दरबार में दीपक राग सुनाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब वो रूपा से बोलते कि क्या तुम बहन मेरी मदद करोगे, क्योंकि आज मुझे कौन से राग सुनाना है, दीपक राग सुनाना है। रूपा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? रूपा पूछती तानसेन से कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तानसेन, जब दीपक राग में शरीर में आग पैदा करने लगे तब मुझे मेघ मल्हार गाकर मेरी प्राण की रक्षा करना है। वो बोल रहे तानसेन कि जब दीपक राग में गाऊंगा और मेरे शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, आग पैदा हो जाएगी, तब क्या मेघ मल्हार गा करके तुम मेरी प्राणों की रक्षा कर सकते हो? रूपा,
मैं किसी राज दरबार में कभी नहीं गाती। मैं प्रभु चरणों की दासी हूँ और आश्रम की गायिका हूँ। राज दरबार में संगीत नहीं, नहीं मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। अब रूपा बोलती कि मैं किसी राज दरबार में कभी गाती नहीं हूँ, मैं तो प्रभु के चरणों की दासी हूँ, मैं आश्रम में ही गाती हूँ, राज दरबार में तो मैंने कभी संगीत गाया ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तानसेन, क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता? क्या कोई क्या भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी? अब तानसेन उन्हें बोल रहे हैं कि क्या तुमको मुझ पर तरस नहीं आ रहा है? क्या तरस का मतलब होता है दया? क्या तुमको मुझ पर दया नहीं आ रही है? क्या भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी? क्या मेरे प्राणों की रक्षा आप नहीं करेंगे? रूपा, भाई की रक्षा में तो बहन प्राण न्यौछावर कर देती है, लेकिन राज दरबार में संगीत के स्वर नहीं छेड़ेगी। अब वो बोल रही कि मैं तो आपके आपकी रक्षा के लिए, आप अगर मुझे बहन मानते हो तो मैं आपकी रक्षा के लिए तो मैं अपने प्राणों को भी त्यागने को तैयार हूँ, लेकिन मैं राज दरबार में संगीत नहीं गाऊंगी। स्वामी हरिदास, बेटी रूपा, तुम्हारा गायन किसी सम्राट के दरबार में सम्राट को सुनाने के लिए नहीं होगा, वह तो प्रभु चरणों में ही होगा। तुम तो दीपक राग की सिद्धि पर मेघ मल्हार गाओगी और अपने गुरु भाई की जान बचाओगी। अब स्वामी हरिदास को समझाते हैं कि भाई तुमको राज दरबार में नहीं गाना है, तुमको तानसेन की जान बचाना है और तुमको अपने गुरु भाई की जान बचाना है, क्योंकि अगर तानसेन दीपक राग गाएंगे तो मेघ मल्हार गा करके उनकी अग्नि से आपको उसकी तेजी से आप उसको बचाओगे। रूपा, आपका आदेश सिर आंखों पर गुरुदेव, सिर आंखों पर मतलब आपका आदेश मान्य है, लेकिन चाचा अलादीन और भैया मोहन मेरे साथ चलेंगे। अब जो राग मल्हार है उसके लिए जो बोल रही है कि जो साध जो उसके बजाने वाले हैं चाचा अलादीन और भैया मोहन मेरे साथ चलेंगे। चाचा की सारंगी और मोहन के मृदंग के बिना राग सिद्ध नहीं होगी। मैं तानसेन भैया की मेहमान बनूंगी। अब वो बोल रही है कि मेरे साथ जो दरबारी में दरबार में मेरे साथ जो बजाने वाले का है जो है चाचा अलादीन और भैया मोहन मेरे साथ चलेंगे। तानसेन रूपा को हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं। हाथ जोड़ करके अभिवादन करते मतलब उनको यानी अपनी अगर वो हामी भर देती तो उसके लिए वो सराहना करते। अवश्य बहन, अलादीन मोहन रूपा और तानसेन गुरु का चरण स्पर्श करते हैं। स्वामी हरिदास यशस्वी हो, यशस्वी हो का मतलब होता है विजयी हो, चिरंजीव हो, पूर्ण काम हो, तीनों जाते हैं और इस प्रकार से स्वामी हरिदास से आशीर्वाद लेते हैं और तीनों के तीनों कहाँ जाते बेटा? अब राजा अकबर के दरबार में जाते हैं। दूसरा दृश्य, स्थान सम्राट अकबर का राजमहल। अब जो दूसरा दृश्य है वो कहाँ का दृश्य है बेटा? सम्राट अकबर का राजमहल। समय रात का पहला प्रहर। रात का पहला प्रहर मतलब कि जैसे रात होती है उसके बाद जो पहला प्रहर आता है यानी पहला जो समय होता है वो रात का पहला प्रहर, क्योंकि जो दरबारी लोग होते हैं रात ही को भजन कीर्तन यह होता है तो इसके लिए ये जो समय बताया रात का पहला प्रहर। कमरे में बड़े बड़े दीप स्तंभों का प्रकाश है। सम्राट अकबर और तानसेन बैठे बात कर रहे हैं। अब वहाँ पर बता रहे हैं कि हम सम्राट अशोक को तानसेन बैठ करके बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है अकबर। तानसेन तुम सचमुच संग्रेज सम्राट हो। कल के तुम्हारे दीपक राग का को और रूपा के मल्हार को मेघ मल्हार को हम जीवन भर याद रखेंगे, लेकिन हमने तुमसे दीपक राग सुनने की तमन्ना इसलिए की थी कि तुम्हारे गुरु हरिदास से मेघ मल्हार को सुनने मिलेगा। अकबर बोल रहे हैं कि तानसेन तुम सचमुच में संगीत सम्राट हो। कल जो तुमने राग गाया था दीपक राग और जो रूपा ने मेघ मल्हार गाया था वो हम जीवन भर याद रखेंगे। तुम दोनों ने ये राग सुना करके हमारी तमन्ना को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। तुम्हारे गुरु हरिदास से मेघ मल्हार सुनने को मिला। अब उसके बाद तानसेन बोलते हैं, जहाँ पना गुरुजी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते। उनका संगीत तो 16 कला कला के अवतार ब्रज बिहारी श्री कृष्ण को समर्पित है। वो चाह रहे थे कि जो उनके गुरु हैं वो भी उनको मेघ मल्हार का गाना सुनाए, लेकिन वो तानसेन जी बोलते हैं कि गुरुजी राजमहल में संगीत नहीं सुनाते हैं, वो सिर्फ ब्रज बिहारी श्री कृष्ण को समर्पित है, मतलब वो मंदिरों में ही गाते हैं। अकबर, तानसेन तुम सच कहते हो, तुम्हारे उस्ताद स्वामी हरिदास ने राजमहल में आने से साफ इनकार कर दिया। मैंने तुमसे दीपक राग सुनने की फरमाइश इसलिए की थी कि स्वामी का मेघ मल्हार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघ मल्हार सुनने से वंचित हो गए। अब तो तुम्हारे गुरु की गायकी सुनने का मन है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार नहीं की। तानसेन अकबर कहते हैं कि मैं आपके जो गुरु थे स्वामी हरिदास उनका मेघ मल्हार गाना सुनना चाहता था,
लेकिन बदकिस्मती कि उस बीच में रूपा आ गई और गुरुजी आए नहीं, और कौन ने सुना दिया? मेघमल्ला रूपा ने सुना दी। जहाँपनाह, तानसेन बोलते हैं, जहाँपनाह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वे प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करेंगे, आप ही नहीं माने, आप ही नहीं माने। उन्होंने बताया कि मैंने तो पहले ही आपसे बताया था कि वो ऐसी प्रार्थना नहीं मानेंगे। अकबर, हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हम समझते थे कि हिंदुस्तान ने हमारी बात कोई नहीं टालेगा, लेकिन संगीत का बादशाह हमसे भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्या करें, संगीत ने हमें दीवाना बना दिया है। अब वो अकबर बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हमारी हम जो बोलेंगे वो सब मानेंगे, लेकिन जो संगीतकार हैं वो हमसे भी बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने अपना मन रखा है, क्या करें, हम संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हमने ऐसा कहा था। तानसेन, जहाँ पना संगीत ही क्या, आपको तो इस देश के प्रत्येक कला में स्नेह और लगन है। तो तानसेन बोलते हैं कि जहाँ पना आपको संगीत ही क्या, आपको तो देश की जितनी भी कलाएं हैं उसमें आपका मन है, उससे आपको प्यार है। अकबर, तानसेन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। हम इस मुल्क की कला को, इसके संगीत को, इसकी मीठी मीठी बोलियों को, इसकी पुरानी किताबों में छपे ज्ञान को सबको समझना चाहते हैं। अकबर तानसेन से बोलते हैं कि हमारी खुद किस्मती को, खुद किस्मती मतलब हमारे अच्छी किस्मत है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं, मुल्क मतलब देश के बादशाह हैं जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। इस देश का जैसे भारत देश जैसा कोई देश नहीं है। हम इस मुल्क की कला, इसके संगीत, इसकी मीठी मीठी बोलियाँ, इसकी किताबों को हम सबका ज्ञान जानना चाहते हैं। तानसेन, यह जहाँपनाह का बड़प्पन है जो मेरे प्यारे देश की कला की और वेद उपनिषदों में छिपे ज्ञान की कद्र करते हैं। तानसेन बोलता है कि ये जहाँपनाह का बड़प्पन है क्योंकि वो पूरे चीज़ों को, कलाओं को, वेद उपनिषदों को जानना चाहते हैं। अकबर, लेकिन तानसेन हिंदुस्तान का बदनसीब बादशाह स्वामी हरिदास का संगीत नहीं सुन पाए तो उसके मन में ही मन में रह जाएगी। फिर भी वो यही बात करते कि अगर मैं हरिदास का गाना नहीं सुन पाया, संगीत नहीं सुन पाया, तो ये मेरी बात मेरे मन के मन में ही रह जाएगी। तानसेन, जहाँपनाह निराश न हुए, स्वामी हरिदास के संगीत को सुनने को आपको मौका अवश्य मिलेगा। तो तानसेन बोलते हैं कि आप निराश मत होइए, स्वामी हरिदास का जो संगीत है आपको उसको सुनने का मौका अवश्य मिलेगा। अकबर, मौका मिलेगा कब? जब हम अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। तो अकबर बोलते हैं कि कब मिलेगा ये मौका? जब हम अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे मतलब हम मर जाएंगे? तानसेन कानों में हाथ लगाकर, ऐसा मत कहिए जहाँपनाह, आप 1000 साल तक जीवित रहे, कल प्रातः ही उन्हें आश्रम में संगीत सुनने का मौका मिलेगा। यदि आप सम्राट के वेश में चलेंगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि आश्रम में जो वो है स्वामी हरिदास, वो गाना गाते हैं, आप अगर सम्राट के वेश में चलेंगे तो आप नहीं सुन पाएंगे। अकबर, तानसेन तुम जानते हो कि हम हिंदुस्तान और यहाँ के संगीत का कितना लगाव है, हम उनका संगीत सुनने के लिए किसी भी लिबास में जा सकते हैं। तानसेन अकबर के कान में कुछ कहता है, अकबर स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर खामोश इशारों में बात होती है, ठीक है हमें मंजूर है, सुबह पहुंचने का इंतजाम अभी कर दो। अब अकबर बोलता है कि तानसेन उनको बोलते हैं कि अगर आप अकबर सम्राट के वेश में चलेंगे तो आप उस चीज़ को नहीं सुन पाएंगे। फिर वो एक दूसरे के कान में कुछ बात बोलते, मतलब वो जो उनका अकबर का वेश है उसको बदलने के लिए कहते हैं, और तानसेन अकबर उस चीज़ को मान जाते हैं और बोलते हैं कि कल हमारे जाने का इंतजाम कीजिए। तानसेन जो हुक्म जहाँपनाह, तो तानसेन कहता है कि ठीक है जहाँपनाह, आपने जो हुक्म दिया वो ठीक। संगीत की धुन और घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती है। और वो दूसरे दिन सुबह कहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं? आपके गुरु की तरफ, गुरु की जगह पर, जहाँ पर वो अपना गाना सुन रहे हैं, क्लियर, गाना सुना रहे हैं या वो अपना गाना गुनगुना रहे हैं, क्लियर। अब है तीसरा दृश्य। अब तीसरा दृश्य में बताया है, समय प्रभात बेला, मंच पर थोड़ा प्रकाश, पक्षियों का कलरव, नेपथ्य में भैरवी की स्वर लहरियां। अब सुबह का समय है, पक्षी गुनगुना रहे हैं, और स्थान वृंदावन के निधिवन आश्रम का एक कोना, बीच में तख्त, इधर उधर आसन बिछे हैं, आसनों में बैठे शिष्य स्वामी हरिदास की प्रतीक्षा में है। तभी तानसेन का प्रार होता है, वह आगे आसन पर बैठ जाते हैं। अकबर नौकर के लिबास में बहुत पीछे आसन पर बैठ जाता है। स्वामी हरिदास कंधे पर गुदड़ी डाले और हाथ में करवा लिए प्रवेश करते हैं। सभी शिष्य उपस्थित लोग खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी तख्त पर आसन ग्रहण करते हैं, पास में करवा रखकर हाथ के इशारे से सबको बैठने का आदेश देते हैं। तानसेन उनसे चरण छूता है। अब यहाँ पर स्वामी हरिदास के आश्रम का सीन दिखा रहा है कि आश्रम लगा हुआ है, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, सभी वहाँ पर जो उनके शिष्यगण आ गए हैं
और उनके गांव हरिदास जी की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे हरिदास जी आते हैं, स्वामी हरिदास जी आते हैं, सब खड़े होते हैं, उनको पैरों को छूते हैं और स्वामी जी इशारे से बैठने का आदेश देते हैं। स्वामी हरिदास, यशस्वी हो, तानसेन तुम कब आए? उनको बोलते, यशस्वी हो यानी आप यशस्वी हो मतलब आप अपना यश यश ग्रहण करो। तानसेन तुम कब आए, तुम कब आए, तुम यहाँ पर कब आए? तानसेन, गुरुदेव अभी पहुंचा हूँ। तानसेन बोलता है कि गुरुदेव मैं अभी पहुंचा हूँ, आपके दर्शन की इच्छा खींच लाई, जो आपको मेरे को देखने की इच्छा हुई इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। स्वामी हरिदास, घर परिवार में सब कुशल मंगल है? स्वामी हरिदास पूछते कि जो घर परिवार है आपके घर में सब कुशल मंगल है? तानसेन, गुरुदेव की कृपा है, सब कुशल मंगल है। तानसेन बोलते हैं कि हाँ, सब आपकी कृपा है, सब कुशल मंगल है। स्वामी हरिदास, गुरुदेव रूपा ने तो सचमुच, स्वामी हरिदास तुम्हारा दीपक राग तो खूब जमा, रूपा ने बताया। स्वामी हरिदास बोलते हैं कि तुमने जो दीपक राग गाया था वो बहुत अच्छा बना, रूपा ने मुझे बताया है। तानसेन, गुरुदेव रूपा ने तो सचमुच कमाल कर दिया, आपकी कृपा से लाज भी रह गई और प्राण भी बच गए। तो तानसेन जी बोलते हैं कि जो रूपा आपने मुझे बताया था उन्होंने तो बहुत अच्छे से गाया, उससे मेरी लाज भी बच गई और मेरे प्राण भी बच गए। स्वामी हरिदास, ब्रज बिहारी सबका रक्षक है, लाज हो या प्राण सब उसी के हाथों में है, वह पीछे कौन बैठा है? अब ब्रज बिहारी मतलब जहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बताया कि वो सबका रक्षक है और वो लाज भी बचाता है, वो प्राण भी बचाता है, उन्हीं के हाथों में सब चीज़ें हैं। अब वो धीरे से इधर उधर देखते हुए पूछते हैं कि वो पीछे कौन बैठा है? गुरुदेव वह मेरा सेवक है। तानसेन बोलते हैं, गुरुदेव वह मेरा सेवक है। स्वामी हरिदास, अच्छा, तुम्हारी गायकी की प्रशंसा आश्रम में बैठा ही सुनता रहता हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है, तुमने नई नई रागिनियों की रचना की है। अब वो तानसेन से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी गायकी की प्रशंसा सुना है, आश्रम में ही बैठा सुनते रहता हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है, तुमने कई नई राग रागिनियों को भी रचा है। तानसेन, गुरुदेव यह तो आपका आशीर्वाद है, उनमें मेरी मौलिकता कम आपकी छाया अधिक है, मैंने तो केवल थोड़ा सा विस्तार ही करने का साहस किया है। बस आप लोगों को यहाँ तक ही मैं पढ़ा रही हूँ, इसको एक बार आप लोग रीड करना ताकि आप लोगों को अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किसने किससे क्या कहा, आप लोगों से इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन कहते हैं पूछा जाता है, तो आप लोग इतना लेसन को पढ़ना। अब इसके आगे का जो लेसन है हम लोग अगले वीडियो में साथ में उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बेटा? क्योंकि अगर मैं पूरा लेसन पढ़ाने की कोशिश करूँगी तो ये लेसन बहुत बड़ा है, जिससे आपको भी परेशानी होगी, ठीक है? तो चलिए आज यहीं तक के, धन्यवाद।